हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कैसे आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करके अपने बिजनेस को ऑटो पायलट कर सकते हो और ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में ना ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से बूम कर रहा है। ई कॉमर्स ले लो, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट या फिर खुद की एक वेबसाइट बना के भी आप सेल कर सकते हो। अब पॉइंट क्या है, लोग ऑनलाइन सेल तो कर रहे हैं बट उनको नहीं पता कि बिजनेस को ऑटो पायलट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए केस स्टडी भी लेकर आया हूँ, प्लस ऑनलाइन आप कैसे सेल कर सकते हो, पैसा बना सकते हो और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना। देखो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेल करने के लिए ना आपको चाहिए तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़ होती है लीड्स। अब लीड्स क्या होती है, लीड्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, आपसे गुड्स या सर्विस लेना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं लीड्स। दूसरी चीज़ होती है सेल्स। सेल्स क्या होता है, लेट सपोज 100 लोगों ने क्वेरी करी, अब कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और आपसे गुड्स और सर्विस बाय कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्स का कन्वर्जन। तीसरी चीज़ होती है प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज 1000 रुपये का आपने गुड्स खरीदा, उसके बाद 200 रुपये आपने मार्केटिंग के ऊपर खर्च करे, 200 रुपये आपने डिलीवरी के ऊपर खर्च करे और 2000 रुपये का आपने आइटम बेचा, तो 600 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। ये होता है आपका डेट प्रॉफिट। तो तीन चीज़ें बिजनेस के अंदर होना बहुत जरूरी है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, अगर आपको सर्वाइव करना है। सबसे पहली चीज़ लीड्स रेगुलर बेसिस पे आनी चाहिए, डेली बेसिस पे। उसके बाद कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए। मालूम पड़ा लीड्स तो 1000 आ रही है बट कन्वर्जन 10 ही हो रहा है, मतलब 1%, बिल्कुल कचरा है वो। आपको कोशिश करनी पड़ेगी एटलीस्ट मेरा कन्वर्जन 10-20% का हो ऑनलाइन के अंदर। अगर मेरे पास 100 क्वायरी आ रही है तो उसमें से 20 क्लाइंट्स तो कन्वर्ट होने ही होने चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना तो 10% के मार्जिन में कभी बिजनेस मत करना, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ना ही 20%, ना ही 30%, एटलीस्ट 50% से लेके 100% के बीच में आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। समझाता हूँ क्यों। ऑफलाइन बिजनेस के अंदर क्या होता है, कस्टमर आपकी दुकान पर आया, विजिट करा, गुड्स को उठाया, देखा, अच्छा लगा तो ले गया, नहीं तो आपको वापस कर दिया, मतलब दे दिया। बट ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या होता है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपने डिलीवरी करा दी, उसके बाद कस्टमर को चीज़ समझ में नहीं आई, उसको दूसरा आइटम मंगाना है, इसको रिटर्न करना है, तो वो आपको डिलीवरी के चार्जेस नहीं देगा, वहाँ पे आपका ही पैसा लगना है। तो वहाँ पे डिलीवरी के चक्कर में प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। इसलिए हाई प्रॉफिट मार्जिन्स आइटम्स को ही रखना है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, अगर आपको इस बिजनेस को करना है। अब रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक वेबसाइट जिसके अंदर आपको कराना पड़ता है SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा तो वहाँ पे उसके थ्रू वेबसाइट आपकी रैंक होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट आज के टाइम में 20-30 हज़ार में बन जाती है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो SEO के चक्कर में मत पड़ना। रीज़न समझाता हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपर्स आपको मिलेंगे, SEO एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि 3 महीने में 2 महीने में आपको रिजल्ट निकाल के दे देंगे या 5 महीने के अंदर। देखिए, SEO की गारंटी वर्ल्ड में कोई नहीं ले सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर, आपके आइटम्स के ऊपर, प्लस आप कितना पैसा डाल रहे हो SEO के ऊपर, कौन पर्सन उसका SEO कर रहा है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, SEO की नॉलेज नहीं है, ई कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, तो खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट मत बनाओ। आज के टाइम में अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू आप सेल्स कर सकते हो। प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोज डाल सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, आप फेसबुक के ऊपर सेल कर सकते हो मार्केटिंग करके। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में ना ये प्लेटफॉर्म सबसे पावरफुल है। अगर आपको शुरुआत में SEO का नहीं पता, ई कॉमर्स वेबसाइट का नहीं पता, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इन वेबसाइट्स के ऊपर आप अकाउंट बना के वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को समझ के, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को समझना SEO से ईजी है, SEO थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ता है। अगर आप टैग के पर्सन हो तो आपके लिए ईजी पड़ेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो SEO के चक्कर में मत पड़ो। अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, सोशल मीडिया के ऊपर सेल करके भी लोग करोड़ों कमा रहे। हमारे क्लाइंट है जीवन हैंडीक्राफ्ट, अभी इनका इंटरव्यू भी आया था टाइम्स नाउ के अंदर, बहुत करोड़ों के अंदर इन्होंने सेल्स करी। वो कैसे कर पाए, इन्होंने अमेजॉन को समझा, ऑनलाइन मार्केटिंग को समझा, अब गूगल मैप बिजनेस के ऊपर इनके 300 से ज़्यादा रिव्यूज़ है, इन्होंने कस्टमर के रिव्यूज़ लिए, फीडबैक्स लिए, अपने अमेजॉन के अकाउंट सेलर अकाउंट को अच्छे से क्रिएट करा, वहाँ पे भी रेगुलरली इन्होंने फीडबैक्स एंड रिव्यूज़ लिए जिनसे इनकी सेल्स बढ़ पाए। तो ये जरूरी नहीं होता कि आप लोग एक वेबसाइट बनाओ, उसका SEO कराओ, फिर ही ऑनलाइन सेल्स आएगी। नहीं, आपको जरूरत है राइट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। अगर आपको अमेजॉन पे अकाउंट बनाना आता है, स्नैपडील पे आता है, फ्लिपकार्ट पे आता है, इंस्टाग्राम की थोड़े बहुत बेसिक मार्केटिंग की नॉलेज है, बहुत सारी वीडियोस आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएंगी, वहाँ से सीखो। एंड लोग सही में इंस्टाग्राम के ऊपर बेच बेच के करोड़पति बन रहे हैं, एंड यूट्यूब के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर रिव्यू वीडियो डाल सकते हो, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, वहाँ से भी आपकी सेल्स जनरेट हो सकती है। मैं आपको मेरे क्लाइंट के बारे में बताता हूँ, वकार जी, जो कि आगरा से, यज्ञ वाला इनकी वेबसाइट का नाम है। शुरुआत में इन्होंने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई,
उसको चालू करा, बट दिक्कत क्या आई, 7 दिन में एक ऑर्डर आ रहा है, 10 दिन में एक ऑर्डर आ रहा है, जितने बिजनेस के अंदर कॉस्टिंग जारी होती तो सेल्स ही नहीं आ रही थी, लीड्स ही नहीं आ रही थी, ये बिजनेस को ऑटो पायलट नहीं कर पा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था कि हायरिंग कैसे करूं, ग्रोथ कहां से लाऊं, रेवेन्यूज कहां से लाऊं। जब हमने इनकी कंसल्टिंग करी, इनसे समझा, इनके बिजनेस को अंडरस्टैंड करा, तब हमने कुछ पॉइंट्स निकाले। सबसे पहली चीज जो इनके बिजनेस के अंदर थी, ये ऐसे कुछ आइटम्स को सेल कर रहे थे, मार्केटिंग पर खर्च कर रहे थे, जिनके प्रॉफिट मार्जिन 10 से 20% ही है। देखो उन आइटम्स पे पैसा, मार्केटिंग का पैसा मत खर्च करो ऑनलाइन जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 10 से 20% है। जिनका प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 50% हो, उन्हीं पे पैसा लगाओ मार्केटिंग के ऊपर, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हमने इनके बिजनेस ऑडिट में देखी, वो था कि जो मार्केटिंग का लीड्स है ना, उसका नंबर बहुत कम है। देखो अगर आपको ऑनलाइन ग्रो होना है ना, तो लीड्स का नंबर डिसाइड करो कि एटलीस्ट 100 लीड्स पर मंथ तो मेरे पास आनी चाहिए, 100 लीड्स पर डे मेरे पास आनी चाहिए। तीसरी चीज़, उस पे से कन्वर्जन कितना आ रहा है। अगर 100 लीड्स आ रही है तो एटलीस्ट 20% मेरा कन्वर्जन है, मतलब 20 क्लाइंट या 20 कस्टमर मेरे कन्वर्ट हो रहे हैं। तीसरी चीज़, रिव्यूज़ को लेना। देखो अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है ना, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या होता है, कस्टमर ऑनलाइन देखता है, उसको कोई रिव्यू नहीं मिलता है, फीडबैक नहीं मिलता है, तो उसका ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाता, उसको लगता है मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। सबसे बड़ा ऑनलाइन का खेल ही यही है। शुरुआत के अंदर भले कम प्रॉफिट मार्जिन पर सेल कर दो, बट 5-स्टार रिव्यू लाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना हो सके उतने रिव्यूज़ को जमा करो ऑनलाइन, तब जाके आप ऑनलाइन ग्रो पाओगे। तो उन्होंने अपने रिव्यूज़ के ऊपर वर्क करा। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि मैं कैसे और ग्रो कर सकता हूँ। अब मैंने चैनल्स बना लिए, सेल्स आ रही है, रिव्यूज़ लिया है, उसके बाद हमने इनको बताया कि आपका जितना भी लेट सपोज 3-5 लाख का टर्नओवर हो गया, उसके अंदर से आप कुछ पैसा निकाल के अब एक अच्छा कोडर और डिजिटल मार्केटर हायर करो, उसके ऊपर भी टारगेट लगाओ। अगर जो वेबसाइट बनाने वाला SEO कर रहा है ना, तो उसको टारगेट दो कि 3 महीने तक हम आपसे कोई सेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट उसके बाद पर मंथ हमें आपसे 100 लीड्स चाहिए, फिर 6 महीने बाद पर मंथ हमें आपसे 300 लीड्स चाहिए। और हर टारगेट को नंबर के अंदर डिफाइन करो, एग्रीमेंट के अंदर नंबर्स डालो कि 300 लीड्स आनी चाहिए तो आनी चाहिए, 290 भी नहीं, 300 मतलब 300 आनी चाहिए, तो कोडर के ऊपर टारगेट रहेगा। जब आपने एक बार बिजनेस को बिल्ड कर लिया, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटर्स को लगा दो हायर करके, कोडर्स को लगा दो, उन पर नंबर लगाओ कि मुझे इतने लीड्स चाहिए, इतने रिव्यू चाहिए। बिजनेस में हर चीज झूठी हो सकती है, नंबर्स कभी झूठे नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखना। तो बिजनेस के अंदर नंबर्स लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऑनलाइन बिजनेस करना है ना, तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आपको लेना है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, आपकी ब्रांड नेम होती है। अगर आपको अमेजॉन पे खुद को ऐसा रजिस्टर्ड करना है सेलर और ब्रांड रजिस्ट्री का फायदा उठाना है, तो ये वीडियो चेकआउट करो जो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल रखी है। एक तो मैंने ट्रेडमार्क के ऊपर वीडियो डाली, दूसरी वीडियो डाली ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर। दोनों वीडियो बहुत डिटेल वीडियो है ट्रेडमार्क्स के ऊपर, डेफिनेटली इन दोनों वीडियो को जाकर चेकआउट करो अगर आपको अमेजॉन के ऊपर सेल करना है और अपना खुद का एक ब्रांड का ट्रेडमार्क करवाना है। दूसरी चीज़, वो जरूरत होती है कॉपीराइट्स। देखो हो सकता है आप में से कोई डिजाइनर हो, कपड़े बेचे, जूते बेचे, तो आपको कई बार कॉपीराइट्स भी लेना पड़ेगा अपने जूतों का और कपड़ों का, जिससे कॉम्पिटिशन आपको कॉपी ना कर पाए। तीसरी चीज, वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आपने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, खुद ही अपने वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हो, तो टर्म्स एंड कंडीशन होना बहुत जरूरी है। क्या होता है, आप बहुत सारे लोग साथ ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन, हो सकता है किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाए। अब अगर उसने कोर्ट में केस फाइल करा, आपकी वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं थी, तो आपके लिए अल्टीमेटली ट्रबल क्रिएट हो जाएगी। इसलिए वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन ड्राफ्ट करवाना एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर से बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर चौथी चीज़, वो है GST। देखो अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो ना, तो मतलब आप स्टेट्स के बाहर भी सेल करोगे, मतलब सिर्फ आप राजस्थान में सेल नहीं करोगे, गुजरात में सेल नहीं करोगे, आप अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाके सेल करोगे, तो जहाँ पे भी इंटर स्टेट सेल्स आ जाती है ना, वहाँ पे GST लेना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए आपको डाउट होगा, काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या CS से आप मिले होंगे, सोच रहे होंगे GST लेना है या नहीं लेना, 40 लाख की लिमिट हमारे लिए है या नहीं है। देखिए अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है और वो दूसरी स्टेट में भी सेल कर रही है, तो वहाँ पे GST लेना मैंडेटरी है, चाहे आपने 1 रुपये की सेल भी करी हो, तो 1 रुपये से आपका GST काउंट हो जाएगा। पांचवी चीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना जरूरी है नहीं है। देखिए क्या होता है, जब आप ऑनलाइन सेल करते हो ना, ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट पे तो चल जाएगा, बट खुद की वेबसाइट पे क्या होता है, कस्टमर समझता है फ्रॉड ना हो जाए, पैसे लेके मेरे को ब्लॉक ना करते, स्कैम ना हो जाए। वहाँ पे आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी, सेंड नंबर मेंशन होगा, तो कस्टमर और आपके वजह ट्रस्ट का फैक्टर बिल्ड होता है। दूसरी चीज, स्टार्टअप इंडिया में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो आपकी लायबिलिटी है ना, वो लिमिटेड हो जाती है इस केस के अंदर, तो वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसलिए
प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्री कराना मैंडेटरी नहीं है, बट इसके फायदे बहुत ज़्यादा है। अगर आपको और इन सब के बारे में जानना है तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। मेरी टीम आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगी। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिनसे आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, सुझाव है, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, मेरी टीम खुद आपको हर कॉमेंट का आंसर करेगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।